समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार का दौर बीत रहा है, आक्रमण की धार भी तेज हो गई है। डिंपल यादव ने आज भाजपा पर गिन गिन कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैनपुरी के लोगों का नेताजी से भावनात्मक रिश्ता रहा है। डिंपल का इमोशनल कार्ड बताने को काफी है कि सपा का निशाना कहां पर है। जनसभाओं के मंच से महिला मतदाताओं के मन तक डिंपल यादव का चुनावी अभियान वोट पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैनपुरी के महासमर में रिकॉर्ड जीत की उम्मीद के साथ जो समर्थन मिल रहा है, मैं समझती हूँ वो नेताजी की वजह से मिल रहा है, क्योंकि नेताजी का ये क्षेत्र रहा है और नेताजी ने इतना काम किया है यहाँ पे समर्पित होके, तो उसी का स्नेह और उसी का सम्मान मुझे भी मिल रहा है। बीजेपी ने भी कहा जाए इस पूरे इलेक्शन को द्विपक्षीय कर दिया है। उनका कहना है कि नेताजी का दौर था, अब माहौल बदल गया है, बदलाव की बयार है, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? आपको कोई चुनौती मान रही है बीजेपी? मुझे लगता है पिछले 6 वर्षों में इस क्षेत्र में एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है, कोई नई सड़कें नहीं बनी है और लोग समझ रहे हैं इस बात को। नेताजी की समाजवादी पार्टी की सहयोग है और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को और जितने भी कार्यकर्ता है उन सबको जिताना है। आमतौर पर संसदीय चुनाव में ऐसी तस्वीरें कम ही दिखती रही, लेकिन मैनपुरी में सपा और भाजपा ने सियासत की बिसात उस छोर तक बिछाई है जहां हर एक वोट जरूरी है। ऐसे में डिंपल यादव ने मैनपुरी के वोट युद्ध में अपने लिए वो डगर चुनी है जो समाजवाद की धारा को आधी आबादी के साथ जोड़ती है। शहर से गांव तक, गली गली डिंपल यादव चुनाव की डगर पर आगे बढ़ रही है। जनसभाओं के साथ सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन नहीं बल्कि घरों के अंदर जाकर महिलाओं से मिल रही है, नेताजी के नाम पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रही है। यहाँ का और आसपास के क्षेत्र का भी दिल आइएगा और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करिएगा। नेताजी का भावात्मक रिश्ता रहा है। मैनपुरी संसदीय सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए महज चुनाव भर नहीं है बल्कि विरासत को बचाने की जंग है। अपने गढ़ में समाजवाद की साख बनाए रखने का चैलेंज है। ऐसे में कोशिश हर एक मतदाता को पार्टी के पक्ष में पोलिंग बूथ तक लाने की है। तो मेरा ये मानना है कि आप सब एक एक वोट 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मैनपुरी के महामुकाबले में समाजवादी पार्टी की चुनौती बीते कई चुनावों से अलग है। इससे पहले ऐसी कम ही तस्वीरें दिखी हैं जब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता गली गली घर घर प्रचार करते दिखे हैं। इस पर भाजपा तीखे तंज कस रही है। धर्मेंद्र यादव लड़ने तो प्रचार करने नहीं जाएंगे, आजम खान लड़ने तो प्रचार नहीं करेंगे, उनके परिवारों से आजम खान कोई कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये चाचा के भी ठोड़ी खुजा रहे हैं और घर घर गली गली घूम रहे हैं। ये स्थिति आप लोगों की ताकत के कारण है, ये आपकी ताकत के कारण आज उन्हें निश्चित रूप से अपनी हार का एहसास हो गया। भारतीय जनता पार्टी सुचिता के साथ एक एक कार्यकर्ता को लेकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के, लाइन ऑर्डर को लेकर के जनता में जा है और बीजेपी ही जीतेगी। प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा समाजवादी पार्टी की रणनीति को निशाना बना रही है। ये बात और है कि भाजपा खुद भी मैनपुरी के मैदान में उसी रणनीति पर आगे बढ़ निकली है। भाइयों बहनों, आप सब जानते होंगे जब विधानसभा के लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में 60% पोलिंग होता, 65% पोलिंग होता, लेकिन जब गाँव की प्रधानी का चुनाव होता तो हम 100% मतदान करने का संकल्प लेकर जाते हैं। तो हमें गांव की प्रधानी की तरह चुनाव लड़ना, कोई वोट छोड़ना नहीं है, सब वोट डालने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मैनपुरी में कार्यकर्ताओं को जिस रणनीति पर बढ़ने के निर्देश दिए हैं उसी तरह ग्राम प्रधान जैसे जमीनी चुनाव के अंदाज में आगे बढ़ने का ऐलान। 17 नवंबर को जसवंत नगर की जमीन से रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने किया और समाजवादी पार्टी उसी रणनीति पर बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। इससे लोकसभा उपचुनाव की इस जमीनी जंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए
मैनपुरी से नितिन उपाध्याय और मोहम्मद फारूक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने एक बड़ी रणनीति के तहत डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाने का रास्ता साफ किया, तभी ये संकेत मिल गए थे कि अखिलेश यादव प्रचार के लिए पूरा वक्त निकालना चाहते। अब जबकि चुनाव प्रचार उफान पर है तो अखिलेश की रणनीति का इशारा और साफ हो गया। इस रणनीति का मकसद परिवार की एकजुट ताकत की बदौलत इस लड़ाई को मजबूती देना था और अब मुलायम परिवार के तमाम सदस्य पूरी तरह मैदान में हैं। आदित्य यादव से लेकर अभिषेक यादव और अंशुल यादव से लेकर तेज प्रताप यादव अलग अलग क्षेत्रों में मोर्चा संभाल चुके हैं। मैनपुरी के महासमर में डिंपल यादव की डगर आसान बनाने के लिए पूरा सैफई परिवार मोर्चे पर है। अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के अलावा धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव और अभिषेक यादव गांव गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। मैनपुरी सीट पर मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने चुनाव अभियान की रफ्तार बढ़ा दी है। तेज प्रताप यादव घर घर जा रहे हैं तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का काफिला जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के गांवों की डगर की खाक छान रहा है। दावा है कि सिर्फ जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से ही डिंपल यादव की लीड 1,00,000 वोटों से ज्यादा की होगी। नेताजी के परिवार से, नेताजी की विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्याशी को चुनने का और उनको आगे बढ़ाने का जो मौका मिला है और इस मौके को हाथों हाथ जसवंत नगर की जनता ले रही है। बहुत बड़ी जीत ज़्यादा नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ कि जसवंत नगर से कम 1,00,000 वोटों की लीड से मैनपुरी के उपचुनाव में आदरणीय डिंपल यादव जी जीतने वाली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीते 17 नवंबर को जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पुराने मतभेदों को भुलाकर पहली बार सार्वजनिक मंच पर साथ आए तो साफ लफ्जों में कहा था कि अब वोट की रेस करहल और जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के बीच होगी। कहां से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और जो थोड़ी बार चर्चा में रहती थी बगल की विधानसभा की, कल सबसे पहले आकर के चाचा उनसे भी मिलने लिया। और असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत विधानसभा में कौन ज्यादा वोट होंगे। अगर करहल बंद बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। सवाल है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्रों में वोट की रेस शुरू हो गई। आदित्य यादव के साथ प्रचार कर रहे यादव परिवार के दूसरे सदस्य अभिषेक यादव का बयान सुनिए। और खासतौर पर जसवंत नगर के लोग जिन्होंने हमेशा नेताजी का साथ दिया, नेताजी की राजनीति की शुरुआत इस जसवंत नगर से हुई थी। पहला चुनाव नेताजी जसवंत नगर से लड़े थे और आज जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, पहला चुनाव होने जा रहा है उसमें भी जसवंत नगर के लोग वोट डालने जा रहे हैं, इसलिए इस बार जसवंत नगर के लोग ऐतिहासिक वोटों के साथ माननीय भाभी जी को जिताने का काम करेंगे। सैफई के यादव परिवार के सदस्य डिंपल यादव की जीत के लिए जी जान से जुटे हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे कार्यकर्ता भी चुनाव मैदान में हैं। मैनपुरी की जीत अच्छी होगी और जो कुछ मैनपुरी का विकास है वो नेताजी का दिया हुआ है, किया हुआ है। नेताजी को समय समय पर मैनपुरी के लोगों ने साथ दिया है और नेताजी ने भी मैनपुरी का सम्मान बढ़ाया और हर कार्यकर्ता वहाँ नेताजी को याद करके तैयार है वोट डालने के लिए। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर कुछ पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग की है। आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और सपा के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। साफ है कि समाजवादी पार्टी किसी भी मोर्चे पर ऐसी सूरत नहीं बनने देना चाहती जो नतीजों के रूप में पार्टी के लिए अशुभ संदेश लेकर आए। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय और मोहम्मद फारूक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।